रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, रेलवे की वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो आप सभी। आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि रेलवे में नई भर्ती आने वाली है। ये किसी और ने नहीं, स्वयं रेल मंत्री ने अनाउंसमेंट किया है। पहले तो ये क्लिप देखिए, फिर इसके बारे में मैं सारी जानकारी बताऊंगा कि रेलवे की भर्ती में क्या क्या और कैसे कैसे रहेंगी। ठीक है, पहले इस क्लिप को देखिएगा। वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर 150,000 न्यू एम्प्लॉयज। And immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. ये देखा, ये क्लिप आपने सुन ली। इस क्लिप में क्या है कि क्लिप में इन्होंने बताया है कि रेल मंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो पहले इन्होंने ग्रुप डी में भर्ती निकाली थी, जो कि ट्रेनिंग पर जा चुके हैं स्टूडेंट्स, तो वो 1.5 लाख भर्ती इन्होंने कंप्लीट कर ली है। जो पहले बोला था कि 90,000 वैकेंसी ग्रुप डी में और NTPC और टेक्नीशियन और टेक्निकल और आपके सारी चीजों की भर्तियां मिला के और साथ में TT की भी थी, सभी वैकेंसियों को मिलाकर इन्होंने 1.5 लाख कंप्लीट कर दी है। अभी फिलहाल उसके लिए प्रोसेस चल रहा है ALP की भर्ती के लिए, और इन्होंने साथ में अनाउंस किया है कि हम ALP की भर्ती के साथ साथ अब टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन, NTPC और रेलवे में ग्रुप डी की कम से कम आपका 1.5 से 2 लाख वैकेंसी निकलेंगी और पर ईयर के बेसिस पर निकलेंगी और लगातार हर साल के हिसाब से वैकेंसी आएंगी। और साथ में जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट है टेक्निकल, तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा, अलग से फॉर्म भरे जाएंगे। पहले जैसा नहीं कि एक ही बार में भर दिया था, एक स्टूडेंट एक ही भर रहा है, लेकिन अब की बार क्या होगा, अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट में अलग से भर्तियां होंगी, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में अलग से भर्तियां होंगी, साथ में आपका TTE के लिए अलग से भर्तियां होंगी, साथ ग्रुप डी की अलग से होंगी, यानी कि हर जगह के लिए अलग अलग वैकेंसी जाएंगी, ये इनका कहना है। और साथ में इन्होंने और बहुत सारी बातें कही हैं, तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेल मंत्री ये अनाउंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाली इनकी तैयारियां हैं भर्तियां। और भर्तियां ऐसा है कि नहीं एक ही बार में, क्योंकि आप ये भी चीज थोड़ा सा देखिए, पॉलिटिकली भी थोड़ा सा सोच के देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव में हर पार्टी चाहती है कि उसी की सत्ता हमेशा बना रहे और उसके लिए उसको चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। और मोस्टली आपने देखा होगा पुराना कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब भर्तियां भी आती हैं और वो क्लियर भी हो जाती हैं, फिर उसके बाद में जो आती हैं फिर वो बीच में लटकी रहती हैं, ठीक है, फिर वो अगले चुनाव पर हो जाती हैं। तो इसलिए अभी जो भर्तियां आएंगी वो डेफिनेटली क्लियर भी होंगी और ज्यादा भर्तियां भी आएंगी, तो इसलिए इस समय बहुत जल्दी हो सकता है कि चुनाव से पहले पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह या अनाउंसमेंट मिलने सुनने को मिले और साथ में आपको आगे अप्लाई की डेट भी मिल जाए, तो ये बहुत जल्दी होगा। और अभी ALP की जो भर्तियां आई थी उनमें आपका 10th के साथ ITI मांगा था, उनमें वैकेंसी बहुत कम थी, तो उनको भी इंक्रीज करने का भी उन्होंने बोल दिया अनाउंसमेंट। वो अलग से एक थी तो वहां पर एक उन्होंने लेटर जारी किया था जिसमें आपकी डेफिनेटली जो भर्तियां हैं उनकी वैकेंसी पोस्ट वगैरह इंक्रीज होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप रेलवे में जॉब चाहते हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो लगातार करते रहिए तैयारी, बिल्कुल मत छोड़ना। जैसे यूपी पुलिस की बहुत स्टूडेंट पहले यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि अब तो आएगी नहीं भर्ती, तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी। लेकिन भर्ती भी आई, फॉर्म भी भर गए, अब कुछ दिन बाद पेपर है, तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी, तो अब वो रो रहे हैं कि सर हम पहले से तैयारी करते रहते तो अब हमारी अच्छी स्कोर हो जाता। तो इसलिए अब आप ये गलती मत करना, आपके लिए समय है, लगातार रेलवे की तैयारी करते रहिएगा, कम से कम 1.5 लाख के लगभग वैकेंसी आने वाली है, तो उसको आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, इस समय तैयारी करते रहिए। बिल्कुल हर चीज की, हर पोस्ट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, ग्रुप डी में क्या रहता है, आपका NTPC के लिए क्या रहता है, TTE के लिए क्या रहेगा, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के लिए क्या रहेगा, नॉन टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, और 10th के साथ ITI करा उनके लिए भी अलग से निकलेंगी, 10th वालों के लिए अलग से निकलेंगी, 12th वालों के लिए अलग से निकलेंगी, तो सभी के लिए निकलेंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, तैयारी करते रहें, तैयारी में बिल्कुल भी कुताही मत करिए, बिल्कुल भी ढिलाई मत दीजिए, तैयारी करोगे तुरंत वैकेंसी आएगी और तुरंत आपके फॉर्म भर के पेपर भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तैयारी छोड़नी नहीं है जब तक जॉब ना मिले। जय हिंद।